गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 हो गए हैं। आपने मैसेज देख लिया, गुड मॉर्निंग मैसेज देख लिया होगा कि लैब के ओवर होते हैं, आपको जियोटेक की लैब ज्वाइन करनी है। ठीक है, जितनी भी देर की लैब होती है, आधे घंटे की या उससे ज्यादा की, एक टॉपिक कराना है, वो खत्म होते ही फिर आप जियोटेक का लिंक आपको सर भेज देंगे व्हाट्सएप पे, वो ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैट प्रो में सारे लगभग एनालिसिस का आपको पता चल चुका है। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिजाइन की। ठीक है, एनालिसिस एंड डिजाइन में आपको डिफरेंस पता है कि एनालिसिस में हम इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ये सब। अब उसको डिजाइन करना है, एक आरसीसी बीम को, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसको डिजाइन करना है। उसमें हमें ये पता करना है कि उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगेगा। जैसे कि ये आपका एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, 5 मीटर का ये बीम है। सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक अब दिख रही है? सर दिख रही है अब। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि एज्यूम कर लो कि एक 5 मीटर का बीम है, ठीक है, उस सिंपल सपोर्टेड बीम है, एक 5 मीटर का बीम है जो सिंपल सपोर्टेड है, ठीक है, उस पर एक यूडीएल लगा हुआ है, केवल एक यूडीएल। यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने अभी तक क्या किया था कि हमने बीम को मॉडल करके एनालिसिस किया था, जिसमें हमने रिएक्शंस और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ये सब कैलकुलेट किया था। इसकी वजह से इस पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है यूडीएल, इसकी वजह से। बट अभी तक हमने डिजाइन की प्रॉब्लम नहीं किया, तो आज हम डिजाइन की प्रॉब्लम करेंगे। डिजाइन का मतलब हम ये इसमें कैलकुलेट करेंगे। आपको पता होगा कि आरसीसी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर रिइंफोर्समेंट डलता है, तभी उसको रिइंफोर्स कंक्रीट हम कहते हैं। तो रिइंफोर्स जो होता है, स्टील बार जो होते हैं, सरिया जिसे हम बोलते हैं, वो कितने नंबर ऑफ सरिया या बार इसके अंदर हम डालेंगे जिससे इस लोड को बेयर कर सके बिना फेल हुए, और उसका डाया कितना होगा, तो वो सब चीजों को कैलकुलेट करने को हम डिजाइन बोलते हैं। तो वही हम आज करेंगे। तो हमने एक प्रॉब्लम सिंपल सपोर्टेड बीम की एज्यूम कर ली है। तो न्यू प्रोजेक्ट स्पेस मीटर किलो न्यूटन आरसीसी डिजाइन। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, एड बीम फिनिश, क्योंकि 5 मीटर का बीम है। तो जब हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रिड आती है, तो हमें क्या, सिंपल 0 पे क्लिक करना है और 5 पे क्लिक करना है, तो हमारा 5 मीटर का बीम बन जाएगा, है ना। तो मैंने 0 पे क्लिक किया और 5 पे क्लिक किया और इस ग्रिड को क्लोज कर दिया। ग्रिड को क्लोज कहाँ से करते हैं, या तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ये, या फिर हमारा ग्रिड का एक ये टूल होता है, ये वाला, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आप ग्रिड को क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने ग्रिड को क्लोज कर देता हूं यहां से मैं। तो ये 5 मीटर का बीम बन चुका है। 5 मीटर के बीम के बाद हमें इस बीम को स्ट्रेट करना है। तो सबको पता है कैसे करते हैं स्ट्रेट, हम जो क्यूब्स हैं हमारे पास, व्यू क्यूब्स कह सकते हो आप, यानी जो फ्रंट व्यू है, एक सेकेंड रुकना, इससे फ्रंट से हो गया, ये 5 मीटर का बीम बन गया। इसको मेजर करना है तो यहां से मेजर कर सकते हैं। ये रहा, इसको रिमूव करना हो तो इसी के बगल में यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सपोर्ट लगानी है इसमें, इसको हटा देते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी के नीचे यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सिंपल सपोर्टेड बीम में पिन सपोर्ट होती है एक, और एक और क्रिएट करेंगे। रोलर के लिए मैंने बताया हुआ है कि क्रिएट में जाके फिक्स बट पे क्लिक करना होता है, और FY को छोड़ के सब पे क्लिक करना होता है, क्योंकि FY में केवल एक रिएक्शन जनरेट होगी वाई डायरेक्शन में, इसलिए एड। तो फर्स्ट हमने पिन सपोर्ट को इस नोड पे लगा दिया, असाइन, ये सब आपको पता है। सेकेंड सपोर्ट हमने यहाँ पे लगा दी, असाइन। इसके बाद है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में डिफाइन में जाना है, और हमें प्रॉपर्टी में रेक्टेंगल हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि
कि हम ये डिजाइन करेंगे रेक्टेंगल, अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ही हमें डिजाइन करना है और इनके अंदर कितना स्टील डलेगा वो डिजाइन करना है। तो ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन है ये आपका, ये है आपकी डेप्थ और ये है आपकी विड्थ, ठीक है। तो हम विड्थ एज्यूम कर लेते हैं, मैंने बताया हुआ है 230 mm मिनिमम, और डेप्थ हम एज्यूम कर लेते हैं स्पैन लेंथ बाय डी, स्पैन लेंथ बाय 12, ठीक है। स्पैन की लेंथ कितनी है, बीम की लेंथ कितनी है, 5 meters, तो मैंने 5 meters को एमएम में किया, 5000 डिवाइड बाय 12, तो 416 आ रहा है, तो इसको राउंड अप कर लेते हैं 450, तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन आया है 450 डेप्थ और आपका 230 विड्थ, ये इनिशियल एज्यूम्पशन है, हो सकता है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे बीम फेल हो जाए और हो सकता है पास हो जाए, अगर फेल होता है तो हम इसको और बड़ा क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, पर इनिशियली हमें कोई तो क्रॉस सेक्शन लेके चलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं 1 mm से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इनिशियली एक इसका क्रॉस सेक्शन की डेप्थ और विड्थ निकालने का तरीका यही है, मिनिमम मैंने ये ले लिया और मैंने डेप्थ ले ली, स्पैन की लेंथ, बीम की लेंथ 5 meters है, 5000 by 12, और भी क्राइटेरिया लेंगे, अभी इनिशियली हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो यही हम लेंगे, तो हमारे पास आ गया 450 mm डेप्थ और हमारे पास 230 mm आ गई विड्थ, तो यहाँ डाल देता हूँ 0.45 और यहाँ पे 0.23, YD हमेशा डेप्थ होती है ज्यादा, कॉन्क्रीट मटेरियल एड क्लोज। इस प्रॉपर्टी को अब हमें इस प्रॉपर्टी को इस बीम के ऊपर डालना है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पे क्लिक होता है, फिर बीम को सिलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को असाइन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बीम के ऊपर R1 लिखा हुआ है, और अगर 3D में भी हम जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, डेप्थ 450 है और विड्थ आपकी, ये आपकी डेप्थ है 450 और ये विड्थ है आपकी 230, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को पता था, इसके बाद लोड, यहाँ पे जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन, यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं सीधा यहाँ पे लोड केस डिटेल, इस पे क्लिक करके फिर हम ऐड करते हैं, मैंने बताया था कि ऐड करते हैं तो सबसे पहले एक लोड केस बनाना होगा कि किस टाइप का लोड है, डेड है, लाइव है, तो मैं अभी यहाँ पे डेड एज्यूम करता हूँ, जिसका टाइटल भी डेड रखते हैं, ऐड, अब यहाँ पे डेड लोड आ चुका है, अब डेड पे क्लिक करना है, अब लोड केस के बाद इस डेड पे क्लिक करके फिर ऐड पे क्लिक करना है ना, तो सेव के लिए पूछेगा बार बार, तो मैंने डेड पे क्लिक किया और फिर ऐड किया, ये आ गए लोड, कि अब इस पे डेड के अंदर कौन कौन से लोड लगाना चाहिए, तो मैं दो लोड लगाऊंगा, एक तो सेल्फ वेट जो होता ही है और एक UDL 5 kN/m का, ये हमने एज्यूम किया है अभी डिजाइन के लिए, ठीक है। तो दो लोड केस लगने हैं मुझे, दो सॉरी एक लोड केस है डेड लोड, उसके अंदर दो लोड है हमारे, तो सबसे पहले सेल्फ वेट पे क्लिक करना है और वाई डायरेक्शन ग्रेविटी की -1 डाउनवर्ड ऐड कर लेना है बस, उसके बाद मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स यहाँ पे वैल्यू डालनी है -5 बस, D1, D2, D3 कुछ नहीं डालना है, क्योंकि D1, D2, D3 जब डालते हैं, जब हम किसी लेंथ पे लोड लगा रहे होते हैं, अभी हम फुल बीम पे लगा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो लोड आ चुके हैं, सेल्फ वेट और हमारे पास आ चुका है UDL, अब मैं इन दोनों को असाइन करूंगा अपने बीम के ऊपर, इसको असाइन करूंगा यहाँ पे और इसको असाइन करूंगा मैं इसी बीम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ वेट पे क्लिक किया और असाइन टू व्यू, और फिर UDL पे क्लिक किया, असाइन टू व्यू इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि एक ही मेंबर है, इसी पे लगाना है, असाइन टू व्यू, ये लग गया UDL, शिफ्ट प्लस V से आप लोड वैल्यू, ठीक है, लोड लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब एनालिसिस के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है एनालिसिस एंड प्रिंट, और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ऐड करना होता है क्लोज, फिर आपको एनालिसिस करना होता है, ये हो गया डन, जीरो एरर आ रहा है हमारे यहाँ पे, आप देख सकते,
इसके बाद आपको यहाँ डन कर देना है। अब आपको देखना है कि बेंडिंग पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना होता है चेक करने के लिए कि रिजल्ट आ रहे या नहीं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, बहुत कम है डिफ्लेक्शन, लो इसको एनहेंस कर देते हैं, और शियर फोर्स भी आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना है इसको डिजाइन। डिजाइन के लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक डिजाइन का टैब है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। अभी केवल एनालिसिस किया है, एनालिसिस हम ये नहीं बता सकते कि ये फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। कितना भी लोड लगा दो आप तो उसके रिजल्ट दे देगा, है ना, उतनी ज्यादा रिएक्शन बेंडिंग में आएगा, पर उस पे ये फेल हो रहा है कि नहीं वो पता करने के लिए हमें डिजाइन करना होता है। तो मैंने डिजाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये विंडो आ गई एक, जैसे डिजाइन पे क्लिक किया मैंने तो ये विंडो आ गई। और आपको जैसे कि पता है कि आरसीसी डिजाइन करने के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, IS 456, तो वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। सॉरी, इससे पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे कंक्रीट के बाद क्लिक करना है यहाँ पे, सॉरी डिजाइन के बाद कंक्रीट पे, ठीक है, अभी डिफॉल्ट स्टील है तो कंक्रीट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लोड सेलेक्ट करना है IS 456, देखो ये रहा। यहाँ मैंने कोड सेलेक्ट कर लिया IS 456 जो इंडियन कोड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो डिजाइन के लिए क्या करना है, डिजाइन पे क्लिक करना है, कंक्रीट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपको यूनिट चेंज करनी है अपनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाटा फिल करना है हमें, और वो उस यूनिट होती है मिलीमीटर और न्यूटन में। तो यूनिट चेंज करने के लिए आपके पास ये है आपका टूल, ये यहाँ से आप बीच में यूनिट चेंज कर सकते हो प्रोजेक्ट के। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यूनिट ले लेता हूँ मिलीमीटर और न्यूटन, मिलीमीटर और न्यूटन, ये क्यों कर रहा हूँ अभी बता दूंगा मैं। ओके, ठीक है, चेंज हो गया यूनिट। अब मेरे को जाना है डिफाइन पैरामीटर में। आपने डिजाइन पे क्लिक किया, आपने कंक्रीट पे क्लिक किया, आपने फिर कोड सेलेक्ट किया, फिर आपको क्लिक करना है पैरामीटर पे, 1, 2 step, 3 step, फिर यूनिट चेंज करनी है, ये 4th step, और ये आपका 5th step डिफाइन पैरामीटर में जाना है, ठीक है। तो मैं डिफाइन पैरामीटर में गया। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमें लेने हैं, बहुत सारे पैरामीटर, अभी कुछ सिंपल पैरामीटर लेंगे। कौन कौन से लें, सबसे पहले आपको सेकंड वाला क्लियर, क्लियर कवर कितना होता है बीम के लिए, कॉलम के लिए, आरसीसी में आपने पढ़ा, पढ़ेंगे आप क्लियर कवर क्या होता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे किसी बीम का, तो उसके अंदर ऐसे 4 सरिये डले हुए, मान लो ये 4 सरिये हैं, तो ये सरिये के बाहर जो कंक्रीट की लेयर है इसको बोलते हैं क्लियर कवर। तो बीम के लिए होता है 25 mm और कॉलम के लिए होता है 40 मिनिमम, है ना। तो मैं यहाँ पे 25 mm ले लेता हूँ क्योंकि बीम डिजाइन कर रहे हैं, और इसको एड कर लेता हूँ। देखोगे आप यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लियर कवर लिया 25, और यहाँ पे देखो ये आ चुका है क्लियर कवर 25 mm बीम के लिए, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बताऊंगा बाद में क्यों। सेकंड हमें लेना है यहाँ पे FC कंक्रीट का ग्रेड, M20 M25, वो सब, तो 25 ग्रेड ले लेते हैं एड, ठीक है। तो अभी ये दो चीज लेते हैं, और इसमें एक ले लेते हैं रेशियो, सॉरी FY मेन स्टील का ग्रेड 415 ऐड, और आप ले लो इसमें एक रेशियो 4% ऐड। तीनों चीजें समझा देता हूं मैं, हैं पैरामीटर बहुत सारे, लेकिन अभी फिलहाल इन तीनों को समझो आप। मैंने यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर पे क्लिक किया और 4 पैरामीटर में वैल्यू डाल के क्लिक किया। क्लियर कवर आपका 25 mm होता है बीम के लिए, FC है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की, जो कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं उसका ग्रेड 25 ले लिया, जो स्टील आप मार्केट से खरीद के लाए उसका ग्रेड क्या है 415। रेशियो का मतलब होता है कि जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हो आप, कोड कहता है 4% हमें मैक्सिमम करना है, 4 से ज्यादा नहीं करना है, तो कोड के अकॉर्डिंग हमने 4 ले लिया है, यानी कि टोटल कॉन्क्रीट, टोटल बीम के वॉल्यूम का 4% वॉल्यूम ही हमें स्टील लेना है एरिए का, ठीक है। तो हमने 4 ले लिया, हमने 4 पैरामीटर ले लिए। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद डिफाइन पैरामीटर के पास
एक और चीज है आपका कमांड, इस कमांड पे जाना है, इस कमांड में ये पूछेगा क्या बना रहे हो आप, तो मैं बीम डिजाइन कर रहा हूँ, तो बीम पे क्लिक किया और ऐड कर लिया। और एक और है इसमें टेक ऑफ, टेक ऑफ से क्या होगा, टेक ऑफ ये बता देगा कितना कंक्रीट लगा और कितना स्टील लगा हमारे बीम में, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। क्लोज एक बार और, ये वीडियो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। डिजाइन पे क्लिक किया, कंक्रीट पे क्लिक किया, आईएस कोड सेलेक्ट किया, डिफाइन पैरामीटर में चार पैरामीटर लिए, कमांड में हमने बीम डिजाइन लिया, अगर कॉलम कर रहे होते तो कॉलम भी लेते, और उसके बाद हमने ले लिया टेक ऑफ। इन सब पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि ये अप्लाई नहीं है अभी बीम के ऊपर, तो क्लियर कवर पे क्लिक किया और असाइन टू व्यू कर दिया, बीम के ऊपर डाल दिया इसको, इसको भी बीम, सारे चार्ज जितने भी चीजें लिए सबको असाइन टू व्यू करना है क्लिक कर करके, जिससे बीम के ऊपर जा सके। ये हो गया, तो आपका डिजाइन हो चुका है, पर रिजल्ट देखने हैं हमें। तो डिजाइन का दोबारा से मॉडलिंग बनाई, सपोर्ट लगाई, प्रॉपर्टी दी, लोड लगाया, डिजाइन पे क्लिक किया, कंक्रीट पे क्लिक किया, कोड सेलेक्ट किया, डिफाइन पैरामीटर सेलेक्ट किए, कमांड सेलेक्ट किया, पैरामीटर को बीम के ऊपर अप्लाई किए, उसके बाद एनालिसिस किया। ये आपका पूरा डिजाइन स्टेप है, तो मैं एनालिसिस कर देता हूँ इसको। जीरो एरर, डन। अब पता कैसे चले कि डिजाइन हो गया, आपको बीम के ऊपर डबल क्लिक करना है, और अगर ये वाला टैब आ रहा है आपका कंक्रीट डिजाइन, तो यानी कि डिजाइन हो चुका है और बीम पास है हमारा, फेल नहीं है। अगर ये टैब नहीं आ रहा होता तो बीम फेल होता। तो इस टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये बता रहा है कि बीम के टॉप में हमने दो बार 10-10 डाया के डाले हैं और नीचे बॉटम में दो बार 12 के, ठीक है। इनको कैसे समझेंगे हम, यहाँ देखो जो हमने डिजाइन किया उसने क्या रिजल्ट दिया है, कि ये हमारा बीम है लेंथ के अलाउ, इसके अंदर जो ऊपर दो सरिये डले हैं दो, और उनका डाया कितना है 10, और नीचे कितने सरिये डले हैं दो, जिनका डाया कितना है 12, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा ऐसे, तो ऊपर दो सरिये हैं ऐसे और ऐसे, जिनका डाया 10 है, और नीचे जो दो सरिये हैं उनका डाया 12 है। इस तरह से चार स्टील बार हमारे इसमें डले हैं, जिससे कि हमारा ये बीम डिजाइन हो गया है, ठीक है। अब फेल कैसे होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जनरल में जाके इसकी प्रॉपर्टी पर डबल क्लिक करता हूँ, और इसकी प्रॉपर्टी है जो 450 mm है ना, उसको 100 mm कर देता हूँ और असाइन कर देता हूँ, और दोबारा से एनालिसिस करता हूँ क्या होता है। एनालिसिस प्रॉपर्टी में मैंने इसकी डेप्थ बहुत कम कर दी, डन। अब डबल क्लिक करके देखता हूँ तो डिजाइन का टैब नहीं आ रहा है क्योंकि ये फेल हो गया, बहुत छोटा क्रॉस सेक्शन है। अगर हम यहाँ आउटपुट में देखें, आउटपुट का बटन है, और यहाँ पे हम जाते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन, तो यहाँ पे बीम डिजाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन फेल वाइल डिजाइनिंग सेक्शन, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है बहुत कम है, इसलिए फेल हो गया है। इसलिए हमने पास एक थंब रूल था जिससे हमने इनिशियल क्रॉस सेक्शन निकाला था कि उसमें लगभग पास ही हो जाता है, पास नहीं होता तो मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन और बढ़ाता, ठीक है। अब दोबारा एनालिसिस कर लेता हूं मैं साइज का इंक्रीज करके, डन। और अब मैं आउटपुट में देखूंगा रिजल्ट कंक्रीट डिजाइन, तो देखो यहाँ पे डिजाइन डाटा है। डिजाइन डाटा में क्या है, बीम का नंबर है 1, कंक्रीट का ग्रेड है M25, स्टील का ग्रेड है 415, सेकेंडरी स्टील यानी स्टिरअप का ग्रेड भी 415 है, लेंथ 5 मीटर है, साइज 230x450 है, क्लियर कवर 2500 जो हमने दिया था, टॉप में रिइंफोर्समेंट डला हुआ है यहाँ पे 000, बॉटम में भी डला हुआ है इतना, ठीक है। अब आप बोलोगे टॉप में 0 है, बॉटम में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। टॉप में वो 0 इसलिए है कि अगर टॉप में नहीं भी डालोगे तो भी वो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आईएस कोड कहता है कि टॉप में आपको रिइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो स्टीरअप को कैसे आप बांधोगे, ठीक है। मैं एक इमेज दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा उससे हो जाएगा आपका क्लियर। बीम रिइंफोर्समेंट, आपने ऐसा देखा होगा ना ये, इसको सेव करके फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही खत्म हो जाएगी क्लास। ये
देखो इस वाले बीम में कितने बार हैं, 1, 2, 3, 4, और नहीं ऊपर नीचे कितने, नीचे भी 4 है और बीच में भी है, ये इसके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमने डिजाइन किया है उसमें ऊपर 2 आ रहे हैं और नीचे 2 आ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाले की जरूरत नहीं है हमें, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है वो यूं, तो ऊपर कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन तो हमारा क्या होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छी स्ट्रेंथ होती है, टेंशन में वीक होता है, इसलिए नीचे रिइंफोर्समेंट डालेंगे। लेकिन ऊपर भी डालने की जरूरत है, क्योंकि हम फिर ये स्टीरअप जो है, जो शियर को हम रोकती हैं, इनको कैसे हम बांधेंगे, ठीक है। इसलिए ऊपर 0-0 दिखा रहा था आउटपुट में, क्योंकि मिनिमम आ रहा था, ठीक है। तो ये रिइंफोर्समेंट है, ये इसने डिजाइन किया, और जो हमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया था वो भी हमारा पास हो गया है। तो ये था आपका डिजाइन, इसकी वीडियो भी आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। किसी को कुछ पूछना है सर, छोटी सर की क्लास होगी इनकी, अभय सर की, एचओडी सर की? ठीक जियोटेक की होगी अभी, लिंक भेजा होगा उन्होंने या भेज देंगे वो क्लास ओवर होते ही, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये वाला जो है आपको, ये वाला भी आपको फाइल में करना है, बस आपकी एक लैब के सारे एक्टिविटी हो चुकी हैं, और कुछ भी पूछना हो तो बताओ, वरना फिर क्लास को हम लीव करते हैं। सर ये लास्ट एक्टिविटी थी? हाँ ये लास्ट है।